Friends, my name is B. Singh, founder and director, MADEG Institute, Delhi. You are watching Toppers Talk. Yes, Toppers of Engineering Services Examination 2019. I have with me Mr. Amir Khan. First of all, congratulations and welcome. Amir has secured All India Rank 4 in Electronics and Telecommunication Engineering in Engineering Services 2019 examination. Amir scored All India Rank 535 in GATE 2019. He is passed out from the Jamia Milia Islamia, New Delhi, and in 2017. और इनका जो hometown है, that is Unnao, UP. इन्होंने classroom course join किया MADEG का weekend batch, and then he worked for around a year. Then again he joined the rank improvement batch in MADEG, and then in mains batch, and finally selected for the UPSC Engineering Services. फोर्थ रैंक इज डेफिनेटली रैंक विच इज़ वेरी इंप्रेसिव और इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लिमिटेड एवरी ईयर वी हैव सीन द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग हैव टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग दे हैव टू क्रॉस थ्री स्टेजेस प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू आमिर आई वुड लाइक टू नो योर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग ऑफ दी प्रिपरेशन क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट शुड बी माई राइट टाइम टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से स्ट्रेटेजी होती है वो हमारी खुद की होती है हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए फिजिकली वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एवरीवन बट आफ्टर ऑल हमें जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी होनी चाहिए यूनिकनेस तो मैं कॉलेज का टॉपर हूँ सेकेंड टॉपर हूँ फिर आई गॉट प्लेस्ड इन MNC एंड आई जॉइंड द MNC एंड डिड वर्क फॉर अराउंड वन ईयर आफ्टर दैट आई थिंक आई शुड गिव अ ट्राई सो मैं पूरा आउट ऑफ स्टडी मेरे टच में नहीं थी एक साल मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की थी फिर आकर मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट ज्वाइन करा एक्चुअली माय कॉलेज इज जामिया मिलिया इस्लामिया सो आई जॉइन द कोचिंग इन फोर्थ ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग राइट एट दैट टाइम आई कवर्ड द गेट सिलेबस ओके बट इंजीनियरिंग के ESE के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे वो कवर नहीं हुए थे राइट तो जॉब के बाद मुझे वो पढ़ने थे और फुल प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी थी क्योंकि ES का सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इट इज लाइक हाफ ऑफ ES सिलेबस स्पेशली इन योर ब्रांच यस सर एंड ऊपर से GS भी है हां सर मैंने जून से स्टार्टिंग शुरू करी जून 2018 से फिर मैंने पहले तो गेट के सब्जेक्ट पढ़े और रैंक इंप्रूवमेंट बहुत बैच ज्वाइन कर लिया था जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी सब्जेक्ट कवर होते हैं तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी नोट्स मैंने रिफर करे थे MADEG के आई थिंक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नोट्स आर मोर देन इनफ फॉर टू सब्जेक्ट्स आई प्रेफर्ड MADEG बुक एडवांस कम्युनिकेशन एंड VLSI ओके अदरवाइज क्लास नोट्स आर सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट राइट टेस्ट सीरीज में हमारी प्रैक्टिस हो ही जाती है सर तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे आपने कुछ अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की हैबिट नहीं थी एक्चुअली मैं बार बार अपने जो ओरिजिनल क्लासरूम नोट्स हैं उससे ही पढ़ाई करता था उस हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेता था जो एक्सप्रेशन है रिजल्ट है जो मेन रिजल्ट है उसको हाईलाइट करके उससे ही बार बार रिवीजन कर दिया एक्चुअली सेम सोर्स से जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है क्या चीज कहाँ पर देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ इसमें लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहती है राइट और अपने हाथ से जो चीजें लिखी होती है उसका कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस होता है तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके टेक्निकल में उनको अगर हम ये कहें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कौन से होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स राइट नेटवर्क जो न्यू सब्जेक्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए बट इट इज UPSC हर चीज इंपॉर्टेंट है आफ्टर ऑल राइट तो नेटवर्क डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन मटेरियल साइंस ये पांच सब्जेक्ट जो कि इजी है बेसिक्स है और स्कोरिंग है आप इससे स्कोर कर सकते हैं बाकी जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है अगर इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो इन केस आप कुछ चीजें जैसे कि मेरा ऐसा था कि जो बहुत चीज टफ लगती थी मुझे वो मैं छोड़ देता था क्योंकि उसमें मेंस में ऑप्शंस आने भी हैं फ्री में आप हर चीज नहीं अटेंड कर तो आप पहले से प्लान करके जाते थे कि ये सब्जेक्ट मतलब मैं ट्राई करता था सीखने की इन केस बहुत ज्यादा टफ है मुझे पता है कि मैं पेपर में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको स्किप कर देता था बाकी चीज पूरी पढ़ता था तो आपका शुरू से इंजीनियरिंग सर्विसेज में फोकस था या गेट को भी साथ में लेके चल रहे थे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज देना तो था बट कॉलेज के साथ जैसे कि 2017 का पास आउट हूं मैं
तो उस टाइम मेरी सिर्फ गेट की प्रिपरेशन हो पाई थी, क्लासरूम कोर्स मैंने ज्वाइन किया था मेडिजी का, तो अब सेमेस्टर भी होते हैं तो ईएस का सिलेबस कवर नहीं हो पाया था एंड उस टाइम और वीकेंड बैच में इतना समय भी नहीं होता कि वीकेंड वीकेंड में पूरा सिलेबस हो जाए, तो हमें कुछ नॉन टेक और कुछ ईएस के टॉपिक्स वीकडेज में कराना पड़ता है। यस सर। तो 2017 के बाद मेरी जॉब लग गई थी तो मैं वहां पर चला गया था, बट आफ्टर दैट आई थिंक फिर से देना चाहिए। Great. So you got the fourth. आपने क्या ऑप्ट किया है, रेलवेज में सिग्नल्स ऑप्ट किया या रेलवे डबल एस सिग्नल इंजीनियरिंग? दैट्स द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट है, या कभी कॉन्फिडेंस ऐसा हिला? सर वो मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, टॉपर्स के साथ भी, जिसका नहीं हुआ है। आप भी टॉपर ही हैं, फोर्थ रैंक तो हम टॉपर में ही काउंट करते हैं, टॉप 10 इज ऑलवेज टॉपर्स। तो ये ऐसा हर दिन आता है, बट मेरे ख्याल से इसको ओवरकम करने के लिए आपका एक फ्रेंड सर्कल हो जो मोटिवेट करे, फैमिली से आप बात कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है, अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन के दौरान आते ही रहते हैं, उसको टैकल। ये तो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है इस तरह का कि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही चाहिए, नहीं तो हम लगातार दौड़ नहीं सकते ना, कभी तो रुकना भी पड़ता है। किसी चीज को एंजॉय करते हैं ना तो वो जो परेशानी आती है वो भी हम एंजॉय करते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है। तो टेक जो आपकी ये जर्नी है प्रिपरेशन की, इसको एंजॉय करिए अच्छे से करिए। यूपीएससी में आपको कौन सी चीज ऐसी लगती है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए ईएस में? सब्जेक्ट, हाँ मतलब नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी में या प्रीलिम्स में या मेंस में, मतलब क्या चीज़? में आई थिंक प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मेड इजी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। वो अच्छे से करना चाहिए, वो अच्छे से बिल्कुल रेगुलरली करना चाहिए उसको। उसमें रैंक अगर आपकी अच्छी आ रही, एक्चुअली सारे ही पूरा इंडिया जो है उस टेस्ट सीरीज को लिखता है, तो वहीं से आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है। सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं वो तो लिखते ही है। यस सर बिल्कुल। तो वो टेस्ट सीरीज जो है हमारी, तो टेस्ट सीरीज में आपकी मेंस में प्रीलिम्स में आपकी क्या रैंक आती थी? प्रीलिम्स में तो अराउंड 50, 60, 65, बट इन मेंस आई गॉट फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो फोर्थ तो आपकी ईएस में भी आ गई। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं ना, सिंसियर स्टूडेंट्स का दायरा कम होता जाता है। दैट्स करेक्ट। तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। टेस्ट सीरीज में हम तीन चीजों को चेक करते हैं नॉर्मली, एक तो कि मेरी जो परफॉर्मेंस है बाकी स्टूडेंट से कैसे कंपेयर होगी, दूसरी हमारे जो वीकनेसेस हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा हम उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। तो यूजुअली ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8, तो बाकी 3 को छोड़ दिया होता है। तो क्या आप उन 3 को जो रिमेनिंग नहीं अटेम्प्ट किए एग्जाम में, वो मैं फिर आकर के वापस से जो सॉल्यूशन आता था उसे देखता था, वो नहीं देखेंगे तो फिर वैल्यूएशन नहीं होगा क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं। एंड एक और चीज मैं प्री के लिए कहना चाहता हूं कि ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, अटेम्प्ट अगर हमारे ज्यादा होंगे, क्योंकि आप अगर 100 और 110 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कितनी भी एक्यूरेसी के साथ करिए, चांसेस हैं कि 10-15 क्वेश्चंस रॉन्ग होने ही हैं। तो मैंने प्री में अराउंड 128 अटेम्प्ट किए थे, 20-15 उसमें गलत हो गए थे, फिर भी बहुत अच्छा 100 प्लस सही रहे, 100 प्लस सही रहे। तो ज्यादा ट्राई, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि सही है नहीं, कभी कभी थोड़ा आंसर्स में भी एम्बिग्युटी होती है यूपीएससी में, हमारे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम यूपीएससी के आंसर को भी, अब वो तो बाद में देते हैं इसलिए चीजें बाद में पता लगती हैं। बाकी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी ट्रांसपेरेंट, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, आपका कहना ये है? यस सर। अच्छा, प्रीलिम्स में जो जीएस वाला सेक्शन है, क्योंकि टेक्निकल में तो कहीं ये मैच होता नहीं अदर देन मटेरियल साइंस, तो जीएस वाले सेक्शन की प्रिपरेशन आपने कैसे की? जीएस पर मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा था, सिर्फ मेडिजी के नोट्स और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो मेडिजी की थी वो प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपके इस पूरी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं फिर भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जो आपने सुने भी ना हो, अच्छा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, जैसा कि इस बार हुआ था 2019 में, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए थे। Undefined area से पूछ अगर आप उस टाइम को टेक्निकल में यूटिलाइज करेंगे तो मेंस में आपको फायदा मिलता है, बट कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइजेशन तो रखना पड़ेगा, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग टू इग्नोर इट, बट लास्ट के 2-3 मंथ्स सीरियसली आप जीएस को कर ले तो आप अगर इफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स इफ यू आर गेटिंग 80-90 मार्क्स दैट्स गुड इनफ आई थिंक। जब प्रीलिम्स हो जाता है और उसके बाद फिर मेंस का जो पीरियड है 4-4.5 महीने टाइम होता है,
उस टाइम में किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग या थ्योरी भी पढ़नी चाहिए? मैंने सर मेरी स्ट्रेटेजी थी प्री तक, मैं प्री की प्रिपरेशन कर रहा था, प्री के बाद जैसे ही फिर मैं गेट की प्रिपरेशन करने लगा, कन्वेंशनल गेट के बाद मैंने मेंस का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। ईएसई मेंस ज्वाइन करा था बैच, इसमें हमारे डेरिवेशन और मेंस जो क्वेश्चन थे हमारे वो कवर हो जाते थे, और मेंस की जो प्रैक्टिस बुक थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट फॉर मेंस, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसका काफ़ी अच्छा मटेरियल इस बार मेडिजी में था, जिससे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी क्वेश्चन सेम रिपीट हुए टेस्ट सीरीज के। एक्चुअली स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है, तो मेडिजी की टेस्ट सीरीज दी थी क्यू कैब में, उससे आइडिया लग जाता है कि हमें कितने स्पेस में लिखना है, टाइमिंग क्या रहनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का खैर ये बेनिफिट तो होता है कि आप अपनी जो वीकनेसेस है ना, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस है वो हम देख पाते हैं कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन तो बहुत वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब थ्योरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप पॉइंट वाइज लिखते थे या पैराग्राफिक लिखते थे? सर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जैसे एप्लीकेशन बेस पूछ लिया या 5 एप्लीकेशंस मैंने लिख दी या यूजर्स लिख दिए, अब कोर एकदम थ्योरी का क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, तो उसमें पैराग्राफ में फिर डायग्राम, फिर पैराग्राफ, एक्सप्रेशन मिक्स रहता था। मीन्स पर्टिकुलरली आप नहीं कह सकते कि पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट्स में लिखना है या पैरा में लिखना है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। दैट्स करेक्ट। आपका डेली रूटीन ऑफ स्टडी क्या होता था, कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? घंटे अराउंड 7-8 hours. 7-8 hours पर डे। मैं इन टोटल, यस सर, इन टोटल इन अ डे। इन अ डे मैं लॉन्ग टाइम नहीं बैठ पाता था, बट जितनी देर भी पढ़ता था वो क्वालिटी पढ़ता था, कंसंट्रेट करके, कंसंट्रेट के साथ। सोशल मीडिया में आप एक्टिव थे या कुछ समय के लिए बाहर निकल गए? नहीं, एक्टिव था। लास्ट तक आप एक्टिव? व्हाट्सएप, राइट, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना, ठीक है एक्टिव होना अपने अलग है, लेकिन डिसिप्लिन रहना जरूरी होता है। इंटरव्यू में ऐसे कौन से एरिया हैं जो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में मेरा सुजाता मैम का पैनल था, तो बेसिकली क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्निकल साइड, मोर ऑफ टेक्निकल साइड। कोई जॉब भी पूछा उन्होंने? जॉब का नहीं पूछा था मुझसे। ओके, टेक्निकल में ईडीसी के क्वेश्चन थे, बेसिक्स एनालॉग के क्वेश्चन थे एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे। तो बेसिक सब्जेक्ट्स आपसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, टेक्निकल जो है उसका बेसिक पूछा था, एप्लीकेशन बेस्ड मुझसे नहीं पूछा था। राइट, और कोई ऐसा एरिया जो आप स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहें, उनके लिए यूजफुल हो सकता है, कोई मैसेज हो? मैसेज कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आप थोड़ा ही पढ़िए बट कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। रिटेन रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईएस में। करेक्ट, उसकी क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है ना कि अगर रिवीजन नहीं करोगे आप तो याद नहीं रहेगा। एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए याद होना जरूरी है, और एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी हो तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो आप तभी सीखोगे जब बहुत सारे टेस्ट लिखोगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। और वैसे भी यूपीएससी इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एग्जाम्स इन मेनी रिस्पेक्ट। एक तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके रियल हार्डवर्क की टेस्टिंग होती है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिर रियल रिवीजन की टेस्टिंग होती है कि बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट टच हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये इस मायने में तो यूपीएससी बिल्कुल मास्टर है, एंड दे नो कि व्हाट दे वांट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है सिलेक्शन, अगर आपने अच्छा किया तो आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। तो मेडिजी से इस बार सभी ब्रांचेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में 10 out of 10 रैंक्स आए हैं। इनमें से हर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सभी टॉप 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, राइट फ्रॉम रैंक 1 to rank 10। और ओवरऑल टॉप 40 में, जैसे हम चारों ब्रांच की बात करें तो 40 में से 32 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, सो दैट रिप्रेजेंट्स द सिलेक्शन रेशियो ऑफ द क्लासरूम स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड इफ यू वांट एनी सपोर्ट फॉर द गेट और आईईएस, मेडिजी इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प यू, एंड वी वॉन्ट टू बी अ सक्सेस पार्टनर विद यू। डू नॉट हेजिटेट, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड गेट इन टच विद अस इफ एनी रिक्वायरमेंट कम्स। थैंक यू। Thank you.